फ्रेंड्स, आप कोविड-19 को तो जानते ही होंगे, क्यों नहीं? आखिर इस इकलौते वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया था। लेकिन आज अचानक से इस वायरस पे बात क्यों हो रही है? दोस्तों, आप थंबनेल देखकर तो समझ गए होंगे, मंकी पॉक्स। ये एक ऐसा नया वेरिएंट आया है जिसने 15 दिनों के अंदर 15 देशों में अपनी एंट्री मार ली है। स्मॉल पॉक्स जैसा दिखने वाला ये वेरिएंट ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए जैसे बड़े देशों में लोगों को परेशान करने के लिए पहुंच गया है। WHO के अनुसार ये वायरस ज्यादा जोखिम भरा नहीं है, ना ही आम लोगों को ज्यादा परेशान करेगा। लेकिन एक बात इसमें ये डराने वाली है कि ये कोरोना की ही तरह फैलता है। जैसे कोरोना फैलता है, वैसे ये वायरस भी फैलता है। कोविड-19 वेरिएंट में तो सिर्फ हमें दूसरे किसी संक्रमित से ही दिक्कत थी और उसे बचने की जरूरत थी, लेकिन इसमें तो हमें जानवरों से भी बचना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले ये वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है, फिर हम लोग एक दूसरे को फैलाते हैं। इनफैक्ट ये वाला वायरस 1970 में पहली बार अफ्रीका में मिला था। दोस्तों, WHO ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन होती है वो 85% सक्षम है इस वायरस को ठीक करने में। तो ये वेरिएंट तो 2 से 4 हफ्तों में अपने आप होने के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन कई केसेस में 10 में से 1 लोगों की डेथ भी हो जाती है। दोस्तों, अभी इस वायरस को इंडिया में नहीं पाया गया है, लेकिन हमें सतर्क तो रहना ही होगा, क्योंकि बाकी कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा तेजी से फैलता जा रहा है। ये वायरस किसी दूसरे संक्रमित इंसान से आपके आईज, नोज, माउथ, यहाँ तक कि कहीं से भी आपकी बॉडी के अंदर आराम से एंटर हो सकता है। दोस्तों, जैसे कोरोना होने के बाद किसी को दूसरे रूम में रख दिया जाता था, वैसे इस वेरिएंट में भी किया जाता है कि आपको अगर हो गया है तो आपको दूसरे रूम में भी रखना पड़ सकता है। यहाँ तक कि आपके रहने वाली हर संपर्क की चीज़ों से लोगों को दूर भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वायरस छूने से भी फैलता है। दोस्तों, हम नहीं चाहते कि इस वायरस का कोई भी वेरिएंट यहाँ पे पाया जाए और ना ही कहीं भी पाया जाए, इसलिए इस वायरस को फैलाना और रोकना दोनों ही हमारे हाथ में है, हम लोगों के हाथ में। तो टाइम रहते हैं लोगों को इसके लिए जागरूक करें और खुद भी रहें। दोस्तों, इस वीडियो में आपको किसी भी लाइन से अगर थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।